हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल फूड्स लाइफ। मैं हूँ उमरावत और आज मैं आप सभी के लिए एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेकर आई हूँ, वेज मोमोज की। मोमोज आज की जनरेशन का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्ट्रीट फूड है। बेसिकली मोमोज नेपाल और तिब्बत की डिश है, बट आज इसे सभी लोग पसंद करते हैं और इसको बनाने में काफ़ी सारे वेरिएशंस दे सकते हैं हम, स्टफिंग में या फिर इसके आउटर लेयर में। तो आज हम मोमोज को एकदम ट्रेडिशनल वे में सिंपल तरीके से बनाएंगे। मोमोज की चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहला काम, हम आटा तैयार करके रखेंगे। हमने लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा और उसमें डाला है 1/4 छोटा चम्मच नमक और 1 टेबल स्पून तेल, रिफाइंड ऑयल है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक और तेल को आटे में और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक नरम सा आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। आटा गूंदकर हमने तैयार कर लिया है। आटा जितना ही अच्छा आप गूंदेंगे उतने अच्छे आपके मोमोज बनकर तैयार होंगे। ये देखें, इतना सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार करना है आपको। अब हम इस आटे को 30 मिनट्स का रेस्ट देंगे, तो आटे को कवर कर देंगे किसी बोल से, आटे को साइड रख देंगे और रेस्ट करने देंगे। पानी यहाँ पर हमें बहुत कम लगा है इतना आटा गूंदने में। अब हम मोमोज के लिए उसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ली हैं, आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पर गाजर ली है, शिमला मिर्च लिया है, कैबेज यानी पत्ता गोभी लिया है और थोड़ा सा प्याज लिया है। तो इन सारी सब्जियों को आप कद्दूकस कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टफिंग में जाएगा काले मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर और नमक स्वाद के अनुसार। साथ में जाएगा सोया सॉस 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका और 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है मैंने। इन सब्जियों को आप कद्दूकस कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अपने मिनी चॉपर से इसको बारीक चॉप करूंगी। ये चॉपर बहुत ही अच्छा है, इसमें काफी बारीक सब्जियाँ कट कर तैयार हो जाती है। अभी आप देखेंगे मोमोज की स्टफिंग में सब्जियाँ जितनी बारीक कटी है उतना ही बेटर होता है। इस चॉपर का वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा, काफी काम का ये चॉपर है। तो हमारी सब्जियां कटकर तैयार हो गई हैं, ये देख सकते हैं आप, इतनी बारीक सब्जियां कटकर तैयार हुई हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा रब करेंगे ताकि सब्जियों में जो एक्सेस मॉइस्चर है, जो पानी है, वो निकल जाए। सब्जियों को एक स्ट्रेनर में डालकर हम छान लेंगे, इसका पानी निकाल देंगे, या फिर आप अपने हाथों से स्क्वीज कर सकते हैं या फिर किसी कपड़े में भी आप इसे बांध कर छान सकते हैं, अच्छे से निचोड़ सकते हैं। तो हमारी सब्जियां अच्छे से स्क्वीज हो चुकी हैं, इसका पानी निकल चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। नमक इसमें थोड़ा सा पहले ही ऐड है, हम इसमें मिला देंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा टेस्ट जाता है, तो मैंने इसको बारीक पीस लिया था। ये ऐड कर देंगे हम। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच सोया सॉस। अगर आप सब्जियों को पकाना चाहते हैं तो आप स्टर फ्राई कर सकते हैं थोड़े से ऑयल में। साथ में डाल देंगे व्हाइट विनेगर यानी कि व्हाइट सिरका और डालेंगे काली मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। काली मिर्च 1/4 छोटे चम्मच से भी थोड़ी सी कम काली मिर्च ऐड करेंगे और नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। ट्रेडिशनली मोमोज में सब्जियों को कच्चा ही भरा जाता है, तो मैं उसे इसी तरीके से बनाऊंगी। तो आटा हमारा अच्छे से रेस्ट कर चुका है, अब हम मोमोज भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आटे के हम छोटी छोटी लोइयां काट कर तैयार कर लेंगे, जितना कि हम पानी पूरी की लेते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लेंगे और अच्छे से मलेंगे और फ्लैट करेंगे और इसे बेलेंगे। अगर आपका आटा थोड़ा सा चकले पे चिपक रहा है तो थोड़ा सा डस्ट कर लें, सूखे आटे से, मैदे से डस्ट करें फिर बेलें। इसको हम जितना पतला हो सके उतना बेलेंगे, किनारे से बेलते हुए इसे पतला करेंगे, बीच से ज्यादा पतला नहीं करना है। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे 1 बड़ा चम्मच और फिर इसे फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। फोल्ड करने का तरीका देखें, एक साइड से ऐसे इस तरीके से पकड़ना है और फिर इसपे प्लेट्स बनाते हुए इसपे चिपकाते जाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पे, और जिधर हम प्लेट्स बना रहे हैं उसके अपोजिट वाला पार्ट भी हम साथ साथ चिपकाते जाएंगे। आप देखिए क्लोज से, इस तरीके से हमें प्लेट्स बनानी है, फोल्ड करते जाना है और चिपकाते जाना है, जैसा कि हम मावे की गुजिया बनाते वक्त करते हैं। इस तरीके से हमें इस तरीके से लॉक करते जाना है, ऊपर से भी अच्छे से लॉक कर देना है। तो हमारा ये एक मोमो तैयार हो गया है अब स्टीम करने के लिए। इसी तरीके से हम दूसरा भी बनाकर तैयार करेंगे। पूड़ी को अच्छे से किनारे की साइड से बेलते हुए पतला करेंगे, ध्यान रखें कि बीच से पतला नहीं करना है, साइड से पतला करते हुए इसे बड़ा करना है।
अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच स्टफिंग रखेंगे और फिर से इसे फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। आप अगेन देखें, इस तरीके से एक कोना इसका पकड़ेंगे, चिपकाएंगे और प्लेट्स बनाते हुए साथ साथ इसको लॉक करते हुए चलेंगे। मोमोज बनाने के कई सारे डिजाइन होते हैं, जैसे कि राउंड शेप या फिर ओवल शेप, तो आप अपने मनपसंद मोमोज के डिजाइन दे सकते हैं, बना सकते हैं। काफी सारे वेरिएशन होते हैं इसमें, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी मोमोज की शीट होती है वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। जितनी पतली होगी उतना अच्छा खाने में लगेगा मोमो। तो ये देखें, हमारा एक और मोमो तैयार हो गया है। इसको हम एक और डिजाइन देने के लिए हमने इसके दोनों कॉर्नर्स को एक दूसरे में अटैच कर दिया है, तो ये एक पोटली डिजाइन हो गया जो कि देखने में भी काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये देखिए, हमारा एक मोमो तैयार हो गया। इसी तरीके से हम बाकी के मोमोज भी तैयार कर लेंगे। तो हमारे मोमोज बनकर यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, अब हम इनके स्टीम की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, आप कोई भी ढोकला मेकर भी ले सकते हैं या फिर मोमोज मेकर। मैंने इसमें नीचे पानी डाल दिया है, बीच में एक कटोरी रख दी है, आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं, छोटा सा या रिंग रख सकते हैं, कुकी कटर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ढोकला मोल्ड, आप कोई भी ट्रे ले सकते हैं या कोई प्लेट या कोई थाली। उसमें हम तेल ग्रीस करेंगे थोड़ा सा, ताकि मोमोज इसमें चिपके नहीं, और रख देंगे। अब हम इसमें मोमोज प्लेस कर देंगे और फिर स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए मोमोज को स्टीम करना काफी होता है, 10 से 12 मिनट। ज्यादा मोमोज को स्टीम करेंगे तो थोड़े चुई हो जाते हैं मोमोज, तो खाने में अच्छे नहीं लगते, इसीलिए 10 मिनट काफी होगा। तो जब तक हमारे मोमोज तैयार होते हैं, हम बना लेते हैं मोमोज की चटनी। मोमोज की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर होल रेड चिलीज को भिगा दिया था 10 मिनट के लिए गर्म पानी में। अब ये तैयार है चटनी बनाने के लिए। ये मैंने 8 से 10 ली हैं। साथ में लेंगे हम एक छोटा चम्मच चीनी। 2 बड़े टमाटर को मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है, आप चाहे तो इन्हें हल्का सा बॉईल भी कर सकते हैं और फिर पील कर सकते हैं। साथ में लेंगे हम 10 से 12 लहसुन की कलियां छील ली हैं और नमक स्वाद के अनुसार। इस चटनी को हम मिक्सी के एक छोटे पॉट में पीस लेंगे, सारी चीजें एक साथ ऐड करेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। आप चाहें तो चटनी बनाने के पहले लहसुन और टोमेटोज को पैन फ्राई भी कर सकते हैं एक छोटे चम्मच तेल में। अब हम इन सभी को पीस लेंगे। तो हमारी चटनी पिसकर तैयार हो गई है, देख लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, एकदम बढ़िया चटनी बनकर तैयार हुई है, काफी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, आप देख पा रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी। तो ये हमारी मोमोज की चटनी बनकर तैयार हो गई है, देख लेते हैं अब मोमोज का क्या हाल है। दस मिनट के बाद मोमोज अच्छे से कुक हो चुके हैं, ये अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इनकी शीट ट्रांसपेरेंट हो गई है, अंदर की स्टफिंग अच्छे से दिख रही है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से कुक हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि इन्हें मीडियम फ्लेम में ही कुक करना है 10 मिनट के लिए। तो चलिए अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो गाइज, अगर आपके पास मोमो का स्टीमर नहीं है तो आप इस तरीके से कढ़ाई में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप भी इन सर्दियों में या फिर किसी भी मौसम में ये मोमोज की रेसिपी जरूर ट्राई करें, काफी हेल्दी है और बहुत टेस्टी लगता है। सर्दियों में गरम गरम मोमोज हॉट गार्लिक सॉस के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो गाइज, आप ये सिंपल और इजी से रेसिपी ट्राई करें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें। और अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स आगे स्क्रीन बोर्ड पे हैं, आप जरूर चेक कर लें। और मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।